सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि खरखाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास में कमट्सु का GD511 ये ग्रेडर, और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या था चलिए हम आगे वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास में है कमट्सु GD511 एक ग्रेडर, जो कि दोस्तों ये क्या होता था, जैसे ही हम सीधा आगे पीछे करते थे तो कोई साउंड नहीं आता था, बट लेकिन टर्निंग पे जैसा हम घुमाते थे वैसे ही ये कट 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 करके साउंड आता था। तो दोस्तों हमने इसका डिफरेंशियल को बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकालने के बाद में देखते हैं दोस्तों इसका जो एक्सल असेंबली है पूरा का पूरा देख सकते हैं, हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। अब बाहर निकालने के बाद में दोस्तों हमने इसमें देखा, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी नहीं मिला है। दोस्तों अभी इसे और भी डिसमेंडल करते हैं, उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसमें वाकई में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा सा जो केज बॉडी है उसका मेनिंग हल्का हल्का ख़राब दिख रहा है, और इसमें आप पिनियन के बॉडी के ऊपर देख सकते हैं हल्का हल्का ऐसा क्रैक टाइप का दिख रहा है। तो चलिए हम इसको एक बार डिसमेंडल कर लेते हैं, और डिसमेंडल करने के बाद दोस्तों देखते हैं कि वाकई में इसमें प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं पिनियन के जो ऊपर वाली बॉडी है हल्की हल्की क्रैक है, बट दोस्तों इससे आवाज़ आना नहीं चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम वीडियो को स्किप करके पूरा इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों हमने सारा कुछ एक एक स्पेयर पार्ट हमने ओपन कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करना होगा दोस्तों, हमें ट्रांसमिशन ओपन करना होगा, और ट्रांसमिशन में देखते हैं कि वाकई में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिनियन के बॉडी के ऊपर भी उतना मार नहीं है, एक्सल के मीनिंग भी उतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हल्की हल्की इस मीनिंग के ऊपर थोड़ी दागी है। ठीक है,